हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना सिंह। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए, धनतेरस अब आने वाला ही है। बृहस्पतिवार को धनतेरस है, थर्सडे को और सैटरडे को दीपावली है। तो चलिए, उसकी मैंने कुछ शॉपिंग की है, विशाल से कुछ शॉपिंग करा था और कुछ लोकल मार्केट से किया था। और अभी तो ढेर सारी शॉपिंग बाकी है, दिए वगैरह तो अभी नहीं लिए हैं, तो हम लोग धनतेरस के दिन लेते हैं। तो उसके पहले जो जो मैंने शॉपिंग किया है तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने फ्लिपकार्ट से भी ढेर सारी शॉपिंग की है, तो उसका मैंने वीडियो बना लिया है, तो लिंक में मैं डाल दूंगी, तो आप देखना उसे जरूर। तो चलिए, सबसे पहले मैंने जो लिया है वो लिया है इलेक्ट्रिक फ्रेगनेंस लैम्प। जी हाँ, ये है और ये होम ब्यूटीफुल का है। जो ब्रांड है वो होम ब्यूटीफुल है और इसका ये ब्रांड मुझे काफी अच्छा लगता है। और बिग बाजार में आपको इसके ढेर सारे सामान आपको मिल जाएंगे। तो इसको ओपन करती हूँ और इसमें एक ये दिया गया, ये ऑयल दिया गया, फ्रेगनेंस ऑयल है। और ये इस टाइप के में ये था और रैप था। तो कोई भी सामान लाती हूँ मार्केट से तो पहले उसको मैं सैनिटाइज करती हूँ। पहले तो 3 दिन के लिए उसको छोड़ देती हूँ, फिर उसको सैनिटाइज करती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे हैं और खुद भी प्रिकॉशन लेना है, इसलिए मैंने ओपन वगैरह सब कर लिया था। तो इस टाइप का वो जो है लैम्प आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर में है और इस टाइप का ये लैम्प है और इसमें एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है और इधर से उसका जो है वायर गया हुआ है। आप यहाँ पे ये वाली जो जगह है इस पे आप पानी भर दीजिए और इसमें दो बूंद जो ये दिया हुआ है, 2 से 3 बूंद, 4 ड्रॉप आपको जो भी देना है आप इसमें डाल दीजिए। और आप इसके अलावा भी आपके पास अपना कुछ फ्रेगनेंस है जो आपको पसंद है, आप वो भी डाल सकते हो। और फिर आप इसको लाइट को जला दीजिए तो रूम काफी खूब अच्छी खुशबू देता है। और दीपावली में इससे अच्छा क्या प्रोडक्ट हो सकता है अपने किचन के लिए। और ये जो प्रोडक्ट है ये सेरामिक का है और मुझे सेरामिक के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सेरामिक के बने हुए, वो मुझे ऐसे भी पसंद आते हैं। इसके गमले हो गए या किचन में जो हम कंटेनर वगैरह यूज करते हैं या चार के लिए यूज करते हैं, तो सेरामिक के काफी पॉट्स मुझे काफी पसंद है, उनके बने हुए सामान। तो ये सेरामिक का बना हुआ है और काफी अच्छा है। और सबके कॉस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये एक प्रोडक्ट मेरा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा खेयर से रख देती हूँ क्योंकि टूटने का डर है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। और उसके बाद मैंने एक ये पिज्जा कटर लिया है और इसकी जो प्राइस थी ये 49 की थी, 49 की इसकी प्राइस है। और मैं इसका भी आपको प्रोडक्ट इसका क्या प्राइस था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 299 का था, ये वाला जो है ये 299 का था और अभी कोई भी ऑफर वगैरह कुछ भी नहीं था जब मैंने लिया था। और ये मैंने 2 बास्केट लिया था, ये मुझे 2 299 का मिला, ये 299 का मिला। तो ये 2 बास्केट लिया है, कहाँ यूज करूंगी वो आप देखना मेरे ब्लॉग्स में। और ये मेरा 3रा प्रोडक्ट हो गया। और ये एक मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लिया है, काफी अच्छा लग रहा था। रैन लिली जो होता है उसी टाइप का है ये, उसी का मतलब रैन लिली जो है उसी का ये उसी टाइप का है ये, बस ये आर्टिफिशियल है। और रैन लिली मुझे काफी पसंद है और मैं तो ऐसे लवर प्लांट हूँ, आपको पता ही कि मेरे पास ढेर सारे प्लांट है, बट कभी कभी ना मन करता है कि कुछ आर्टिफिशियल पसंद आ जाए तो ले लूं। तो आर्टिफिशियल से तो ज्यादा मुझे लाइव प्लांट ही पसंद है, बट सोचा कि चलो पसंद आ गया तो उसको ले लेती हूँ, तो उसको मैंने ले लिया। और दीपावली है तो दीपावली में थोड़ा सा घर को डेकोरेट करने का भी मन करता है, तो उसके लिए मैंने ये लिया। उसके बाद जैसे ही मैं विशाल इन कर रही थी तो उसके बाहर में मुझे ये ये मुझे फ्लावर मिला, ये काफी अच्छा लग रहा, थोड़ा पोज दे दूं तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और ये आपको मैं दिखाती हूँ, यस, ये जो है ये एक एक मतलब ऐसे है, ये एक है ऐसे करके मैंने 10 लिया है, ये 10 लिया है और ये ओनली 10 रुपीज का मुझे मिला, एक जो है ओनली 10 रुपीज का मिला। इससे पहले मुझे कभी भी इतना चीप में कोई भी चीज नहीं मिला। तो इसमें ढेर सारे येलो, ऑरेंज, पर्पल, रेड काफी कलर थे और मुझे काफी अच्छा लगा। 100 रुपीज में मुझे 10 मिल गए,
तो मुझे काफी काफी प्यारा लगा। तो जब मैं विशाल एंटर कर रही थी उसी के बाहर ये था, तो ये भी मैंने ले लिया। और उसके बाद मैंने दो इस टाइप के हुक लिए हैं, इसका मैंने एक यूज कर लिया। तो ये 2 kg मैक्सिमम लोड लिखा हुआ है इसका, 2 kg, तो ये लिया क्योंकि अभी लाइट्स वगैरह या बहुत सारे काम अभी उसमें, जैसे कुछ DIY करूंगी तो उसको हैंग वैंग करना होगा किचन में, तो किचन में टाइल्स लगे हुए हैं तो उसपे मैं ड्रिल नहीं कर सकती हूँ, तो उस सब जगह पे मुझे चिपकाने के लिए काफी अच्छा रहेगा, उसी के लिए मैंने ये लिया है। और ये छोटी वाली जो है ये 6 पीस था और ये 39 रुपीज का आया है, और ये वाली 3 पीस है ये भी 39 रुपीज की आई है। ये तो मेरा हो गया। उसके बाद मैंने ये एक लिया है, जैसे कुछ छौकने वगैरह होता है ना, छौकने के लिए, तो उसके लिए काफी काफी काम आता है। और कुछ भी छौकने के लिए, जैसे आपको हमारे यहाँ जो हम लोग कलछुल बोलते हैं वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसमें भी ठंड का सीजन आ रहा है, तो जैसे एक टमाटर वगैरह थोड़ा सा छौकना हुआ तो इसमें हम आराम से छौक सकते हैं। मुझे तो उसी के लिए यूज लगा। और अगर इसका कुछ और भी यूज है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये मुझे 69 रुपीज का ये वाली मुझे मिली। उसके बाद फ्रेंड्स दीपावली है, तो दीपावली में तो हम अपने हाथों से रंगोली बनाते हैं, बिना रंगोली के दीपावली मुझे अधूरी लगती है, धनतेरस अधूरी लगती है, तो मैं तो अपने हाथों से ही रंगोली बनाती हूँ। बट घर में बच्चे हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत सारे जगहों पे वो जैसे जो हमारा आना जाना होता है, मेरा खुद का इंडिपेंडेंट हाउस है, तो मुझे बहुत जगह रंगोली में नहीं बना सकती हूँ, जैसे रूम से बाहर निकलना, तो उस सब के लिए मैंने ये लिया है, ये मैंने रंगोली लिया। इसमें 4 पीस है और मुझे ये 49 रुपीज की मिली, तो मुझे काफी अच्छा लगा। ये स्टिकर है, ये स्टिकर है, आप पीछे से उसको निकाल के आराम से आप चिपका सकते हो, तो ये मुझे काफी अच्छी लगी, काफी प्यारा लगा, तो ये मैंने लिया, 1 पीस ही लिया, 4 काफी है, बाकी सब जगह तो मैं रंगोली बनाऊंगी, आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो ये हो गए। उसके बाद मैंने जो लिया है, उसके बाद मैंने ये डोरमेट लिया, ये वाली जो है, और ये काफी मुझे सस्ती मिली विशाल में, आई थिंक 39 या 49 रुपीज का था ये, तो ये मैंने 4 पीस लिया है। एक, दो, ये 3 और ये 4, तो ये मैंने 4 पीस लिया है। तो इसको मैं डोरमेट कम यूज करती हूँ, इसको मैं डोरमेट के लिए कम ही यूज करती हूँ, इसको मैं रग वगैरह के यूज उसमें यूज कर लेती हूँ, या टेबल वगैरह पे मैट बिछाना होता है उसके लिए यूज कर लेती हूँ, काफी सारे DIY में इससे कर लेती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे काफी अच्छा लगता है और काफी इसका जो रेट मुझे काफी कम लगता है, तो मैं उसी के लिए इसको यूज करती हूँ। इसीलिए मैंने ये मैट्रेस वगैरह लाया है, जैसे मैं स्टोरेज वगैरह बॉक्स ज्यादा यूज करती हूँ तो उसके ऊपर डालने के लिए मैं इसको यूज कर सकती हूँ। बहुत सारे इसके यूजेस हैं, आप मेरे ब्लॉग्स देखना तो आपको दिखेंगे कि मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करती हूँ। तो ये सारी चीज तो हो गई। तो और मैंने एक साड़ी करवा चौथ में आपको दिखाया था, तो मैं उसमें नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मैं जस्ट तुरंत करवा चौथ के पहले ही लेकर आई थी, तो आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो मैंने ये कॉटन साड़ी ली थी जो कि हमारे यहाँ सासू माँ को दी जाती है, तो मेरी जो सासू माँ है वो कॉटन साड़ी ही पहनती है, तो ये मैंने कॉटन साड़ी ली थी, रेड कलर की है, और रेड कलर के इस टाइप का कलर उन्हें काफी पसंद आता है, तो मैंने उसी उन्हीं के पसंद के अकॉर्डिंग ये लिया था। तो किसी फ्रेंड्स ने कहा था कि आपने साड़ी नहीं दिखाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूं। और ये उसके साथ ब्लाउज पीस है, तो काफी अच्छी मुझे काफी अच्छी लगी, तो ये वो साड़ी है। और मैंने खुद के लिए अपने लिए एक येलो कलर की साड़ी ली, येलो आप बोल सकते हो या ऑरेंज, यस इसको आप ऑरेंज येलो कलर बोल सकते हो, तो ये वो साड़ी है, और सिंपल सी साड़ी है, ज्यादा कुछ नहीं है इस साड़ी में, बस सिंपल सी साड़ी है, और ये उसका आंचल है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी लगूंगी मैं, तो जब मैं ये साड़ी पहनूंगी तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, तो ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ बताना जरूर। और
अब मैं बहू बन गई तो ये वो साड़ी है और काफी अच्छी मुझे लगी और काफी हल्की है और सिंपल साड़ी है, बिल्कुल सिंपल है और काफी हल्की है। साड़ियां थोड़ा मैं कम पहनती हूँ बट ये कलर मुझे ऐसे ही मीन्स मैं मार्केट गई थी तो मुझे ऐसे, और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है तो ये साड़ी उनके ऊपर रखी हुई थी तो मुझे अचानक से पसंद आ गई तो बस मैंने इसको ले लिया। तो इसको जब मैं किसी भी ब्लॉग में पहनूंगी तो आप देखना कैसा मुझ पे लगता है, बताना जरूर। तो फ्रेंड्स ये मेरे सारे जो भी मैंने विशाल से लिया था और विशाल के बाहर लोकल मार्केट से वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। देख रही हूँ कुछ छूटा तो नहीं है तो सारा का सारा मैंने शेयर कर लिया। तो आपको मेरा वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना और थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।